इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीआईसी हमले केस में गिरफ्तार वकला को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने जख्मी वकला का मेडिकल कराने का हुक्म भी दिया। पीआईसी में हंगामा राय के दौरान गिरफ्तार किए गए 47 वकला को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एटीसी में लाया गया, जहां जज अब्दुल कयूम ने केस की समाअत की। वकला के चेहरे ढके हुए थे और अदालत के इहाते और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तायुनात थी। मुलजमा की तरफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार गुलाम मुर्तजा चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के वकला का इब्तदाई मौकफ सुनने के बाद मुलजमान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि अदालत ने जख्मी वकला का मेडिकल करवाने का भी हुक्म दिया। पीआईसी हमले के दो मुख्तलिफ मुकदमा थाना शादमान में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 250 वकला को नामजद किया गया है। दो अलग अलग मुकदमा डॉक्टर साकिब शेख और SHO शादमान इंतखाब चाह की मुदैयत में थाना शादमान में दर्ज किए गए हैं।